गाइस, वेलकम टू मोटर रॉक 10। क्या हालचाल है आपके दोस्तों? अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम राशिद हिरानी है और मैं आपके लिए रोजाना कंटेंट लाता हूँ डेली, ताकि आपके जो भी कार बाइंग डाउट्स हैं उनको मैं क्लैरिफाई कर सकूं। और आज हम बात करने वाले हैं होंडा अमेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी सेडान है जो मैंने पहले बार जब चलाई थी, आई थिंक इट वॉज 2012, तब ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी। I had fallen in love with it at that point also. उसके बाद जब आई द न्यू जनरेशन, सेकेंड जनरेशन इंडिया में, तो जो उसमें खामियाँ थी उसको यहाँ फुलफिल कर दिया गया। एंड जाके आप मेरा कोई भी वीडियो देख लो, होंडा अमेज वहाँ पर मैंशन की जाती है। इनफैक्ट हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था ऑफ कार्स टू बाय अंडर 12 लाख रुपीज़, उसमें होंडा अमेज हर बार फीचर हुई है। तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है इन मेनी वेज, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी वजह जिस वजह से आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमेशा मोटर ऑक्टेन पे हर बार रहता है, सेफ्टी। अगर मैं इस गाड़ी के फीचर्स की बात कर लूँ, इसमें आपको 2 एयरबैग्स ABS प्लस EBD मिल जाता है, और ये स्टैंडर्ड रहेगा अक्रॉस द वेरिएंट्स। तो चाहे आप बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल, फर्क नहीं पड़ता, आपको ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। बट क्या हम हमेशा एक गाड़ी की सेफ्टी सिर्फ उसके फीचर से डिफाइन करते हैं? नहीं, मेटल भी हमेशा डिफाइन करता है, उसका बिल्ड क्वालिटी भी डिफाइन करता है कि वो गाड़ी कितनी सेफ है। अब होंडा अमेज जो इंडिया में बनती है, इंडियन कार मार्केट वाली गाड़ी को ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट नहीं किया है। हावेवर इंडिया में ही सेम गाड़ी जो बन के साउथ अफ्रीका में जाती है, उस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट किया है। वहाँ पर उस गाड़ी ने स्कोर किए हैं पूरे 4 स्टार। तो अगर हम कंपेयर करेंगे इसे दूसरी सेडान से इंडियन कार मार्केट में, तो केवल एक और सेडान ने 4 स्टार स्कोर किया, बाकी किसी ने भी 4 स्टार तक स्कोर नहीं लाया। सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी यू डोंट रियली हैव टू वरी अगर आप होंडा अमेज कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है वो है इंजन्स। अब देखिए, होंडा हमेशा से अपनी इंजन्स के लिए जानी जाती है, और स्पेसिफिकली अभी जो पेट्रोल इंजन चला रहा हूँ मैं, ये एक परफेक्ट मिक्स है ऑफ परफॉर्मेंस एंड माइलेज। अब अगर आप एक एंथूजियास्ट है तो शायद ये इंजन आपके लिए नहीं बनाई गई है, बट फॉर अ नॉर्मल सिटी ड्राइव, अगर आपको सिटी में ओवरटेक करना है, हाईवे में ओवरटेक करना है, ये इंजन परफेक्ट है। इनफैक्ट इसका NVH लेवल्स भी आई से लोएस्ट है देन एनी अदर कार इन द सेगमेंट। ओवरऑल जो इसकी ड्राइव क्वालिटी है, जो गियर शिफ्ट्स है, जो क्लच है, वो काफ़ी लाइट है, एंड आपको जो ड्राइविंग रिस्पॉन्स मिलता है इसका इज प्रीटी स्पॉट ऑन। अब यहाँ पे मैं एक हाईलाइट करना चाहता हूँ चीज़, विच इज़ माइलेज, क्योंकि मैंने माइलेज आपको स्टार्ट में बताया। सिटी में आपको 12 से 15 का एवरेज आराम से मिल जाएगा बिना किसी झिझक के, और अगर आप और प्यार से चलाते हैं यू विल गेट डेफिनेटली मोर माइलेज, और हाईवे पे 15-17 तक का माइलेज मिल जाएगा, आपको ज़्यादा भी मिल सकता है डिपेंडिंग आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। सो पेट्रोल इंजन बहुत अच्छी है इसकी, एंड ओवरऑल जो इसकी रिफाइनमेंट है, जो वो रेव होती है इंजन, इट साउंड्स सो गुड। अब अगर मैं डीजल इंजन की बात कर लूँ, तो आई फील ये सेगमेंट की सबसे पावरफुल इंजन, डीजल इंजन या एटलीस्ट इंजन आपको मिलती है वो अमेज में मिलती है। ये 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जिसका टॉर्क बहुत ज़बरदस्त है, एंड मोर ओवर अगर आप एक एंथूजियास्ट हैं, आपको पेट्रोल नहीं, इसका डीजल इंजन देखना चाहिए। ओवरटेक करना है सिटी, हाईवे, कहीं पर भी, इट इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी, और इसमें आराम से ओवरटेक कर सकते हो। आप 120-140, ऐसे नहीं कि पेट्रोल में आप 120-140 नहीं कर सकते हो, बट डीजल का जो एक्स्ट्रा टॉर्क है उससे आपको ज़्यादा बूस्ट मिलती है फॉर दैट, वो कहते हैं ना किक इन द पैंट्स, लिटरली आपको वो मिल जाता है इन द डीजल इंजन, जिस वजह से आपका ड्राइव और यू नो एक्साइटिंग हो जाता है। अब डीजल इंजन की खासियत उसका सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी माइलेज भी है। ये इंजन आपको शहर में 14 से 16 या 17 का एवरेज आराम से दे देगी बिना किसी प्रॉब्लम के, एंड हाईवे पे आपको 18, 19, 20 देगी। कोई कोई लोगों को 20 के ऊपर भी आ जाता है, बट आई डोंट वांट टू डू क्लेम्स, जहाँ मुझे जो नंबर्स आ रहे हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू गिव यू ओवर एंथुजियास्टिक नंबर्स। अब इस गाड़ी की इंजन की बात तो हो गई, साथ में ड्राइविंग डायनेमिक्स भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे ख़राब रास्तों पे चलाते हो, शहर में, हाईवे पे, तो आपको वो झटके नहीं महसूस होंगे, और राइड क्वालिटी इसकी काफ़ी हद तक सपल है, तो आपको कभी भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा इसके अंदर। इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, एंड यू विल नॉट फील एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कि यार बहुत तेज़ आ रहा हूँ, अब गाड़ी कंट्रोल से जा रही है, नहीं, वैसा भी बिल्कुल नहीं फील होगा। इनफैक्ट इवन सिटी में
अगर आप चलाते हो तो आपको स्टीयरिंग इसका कहते हैं ना एकदम मक्खन मस्का है, तो आपको चलाने में भी आसानी होगी, और अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं तो आपको थकावट नहीं होगा, जो फटीक फैक्टर कहते हैं वो नहीं होगा बिकॉज ऑफ द लाइट स्टीयरिंग व्हील। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ट्रांसमिशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो भी कॉम्पैक्ट सेडान्स मार्केट में आती है वो सारी की सारी एएमटी देती है। अब एएमटी टेक्निकली एक ब्रिज गैप है बिटवीन ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है, पर अमेज एकमात्र गाड़ी है जो आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में सीवीटी ट्रांसमिशन देती है। अब सीवीटी जो है वो रेगुलर ऑटोमेटिक से ज्यादा ऊपर बैठता है, और मैंने आपके लिए एक्चुअली वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं आई बटन, एएमटी वर्सेस डीसीटी वर्सेस सीवीटी वर्सेस ऑटोमेटिक वर्सेस आईएमटी, हमने सारा कंपैरिजन आपके लिए किया हुआ है, वो लिंक आपके लिए आई बटन में छोड़ रहा हूं, उसको जाके देख लेना। अब सीवीटी गियरबॉक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज आता है कि आपको झटके नहीं लगते, क्योंकि इसमें आपको इनफाइनाइट गियर्स रहते हैं, जिस वजह से आप जब भी हायर स्पीड पे जाते तो आपको वो झटके नहीं लगते जब गियर शिफ्ट होता है यहाँ पे, तो ये चीज इसके स्मूथनेस में डेफिनेटली ऐड हो जाती है। एंड मोर ओवर एक और एक चीज जो बहुत एंथुजियास्ट को पसंद है, इस पैडल शिफ्ट। आप कोई भी दूसरी गाड़ियां देख लो 10 12 15 लाख रुपए की, उसमें आपको पैडल शिफ्ट मिलते नहीं है, और आपको अमेज के पेट्रोल इंजन में पैडल शिफ्टर्स आ रहे हैं। आई एम नॉट किडिंग यू गाइज। सो इस वजह से अगर आपको गियर शिफ्ट पे कंट्रोल चाहिए, यू कैन गेट दैट कंट्रोल विद द पैडल शिफ्टर्स, और साथ में आप चाहे पेट्रोल चलाओ या डीजल दोनों में आपको स्पोर्ट मोड भी मिल जाता है ऑन द गियरबॉक्स, जिस वजह से अगर आप ज्यादा एंथुजियास्टिकली ड्राइविंग करें, आपको जिस समय पुश करना है यू कैन जस्ट पुट इट इन स्पोर्ट मोड एंड ड्राइव द कार, आपको चलाने में बहुत अच्छा लगेगा। एंड मोर ओवर गियर शिफ्ट्स उसी टाइप के होंगे जैसे आपको चाहिए। अब मैंने आपको बताया सीवीटी में गियर शिफ्ट्स नहीं होते, बट इन स्पोर्ट मोड आपको शिफ्ट्स मिल जाते हैं फॉर दैट क्विकर एक्सेलरेशन। अब सीवीटी में आपको एक और एक क्लियर एडवांटेज आता है जो आपको दूसरे ट्रांसमिशन में नहीं आता है, और वो है उसकी माइलेज। अब जनरली अगर आप कोई भी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखते हैं, एएमटी नॉर्मल ऑटोमेटिक डीसीटी कुछ भी देख लो आप, उसकी माइलेज जो है जनरली मैनुअल से कम रहती है, वेरास सीवीटी में आप मेजरली नोटिस करोगे कि इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मैनुअल कार। सो ये एक और एक आपको क्लियर एडवांटेज आ जाता है ऑफ द सीवीटी ट्रांसमिशन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है एक कॉम्पैक्ट सेडान के लिए वो है प्रीमियम एंड स्पेशियस इंटीरियर्स। तो पहले बात करते हैं प्रीमियमनेस की। जब से अमेज का सेकेंड जनरेशन मार्केट में आया तब से फोकस प्रीमियमनेस पे हमेशा किया गया, एंड टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स की बात कर लो, लुक ऑफ मटेरियल्स बात कर लो, ये काफ़ी प्रीमियम एंड अप मार्केट डेफिनेटली फील होते हैं यहाँ पे। सो ओवरऑल कहीं पे भी आपको ऐसे नहीं फील होगा यार ये सस्ता है ये ऐसा है, यू विल नॉट फील दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मोर ओवर इसके जो इंटीरियर है वो काफ़ी अर्गोनॉमिक है। अर्गोनॉमिक का मैं मतलब आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए अगर आप म्यूजिक सिस्टम की तरफ जा रहे हो तो आपका हाथ यहीं जाएगा, राइट। कोई कई गाड़ियों में आपको वॉल्यूम यहाँ दिया जाता है, कहीं कहीं और दिया जाता है, कहीं ऐसे पीछे छुपा दिया जाता है, तो यू नो इट कैन बी लिटिल कन्फ्यूजिंग एट टाइम्स। तो होंडा का हमेशा से गाड़ियों का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। आप मेरा कोई भी होंडा का वीडियो देख लो, वहाँ पे मैंने कहा है कि इनका जो अर्गोनॉमिक्स है वहाँ पे बहुत फोकस दिया जाता है, जिस वजह से यूजिबिलिटी में किसी को भी बहुत ईजी हो जाएगा। अब फीचर्स भी इसमें काफ़ी सारे आ जाते हैं, जैसे हेडलैम्प इसमें अब नया आ गया है, LED हेडलैम्प्स आ गए हैं, टच स्क्रीन सिस्टम है, रिवर्स पार्किंग कैमरा है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले दिया जाता है, आपको क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया गया है, मोर ओवर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी इसमें अवेलेबल कराया गया है, एंड चार्जिंग पॉइंट्स भी आपके पास मल्टीपल है, तो 12 वोल्ट के साथ साथ एक फास्ट चार्जर भी दिया गया। सो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी सारी है और फीचर्स की लिस्ट आपके पास काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। अब मैं पहले फ्रंट सीट्स की बात करता हूँ स्पेस की, तो पहली चीज़ आप नोटिस करोगे क्योंकि इसके इंटीरियर्स बेज है तो ये काफ़ी एयरी फील होता है, जिस वजह से आपको स्पेस वो कहते हैं ना एकदम टाइट फील होता है वो क्लॉस्ट्रोफोबिक, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस एंटायर बेज इंटीरियर्स। तो इंटीरियर काफ़ी एयरी एंड कम्फर्टेबल फील होता है। होंडा की सीट्स हमेशा से कंफर्टेबल रही है और फ्रंट सीट्स आर नो डिफरेंट। फ्रंट सीट्स में आपको अच्छा खासा साइड सपोर्ट भी मिल जाता है, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है। सो अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप पे भी जा रहे हो या सिटी के अंदर भी चला रहे हो तो आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा यार बहुत यू नो अनकंफर्टेबल सीट्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ओवरऑल सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा है, एंड इवन जो सीट की कुशनिंग रहती है वो ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इस वजह से ये एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है आपके लिए टू ट्रैवल विद इन सिटी या फिर इवन लॉन्ग डिस्टेंस करने के लिए।
जब हम सेकेंड रो की बात करते हैं तो अमेज में सबसे बड़ी पॉइंट क्या आती है, वो है इसका कंफर्ट। यहाँ पे आपको जो सीट का एक्स्ट्रा रिक्लाइन मिलता है, उस वजह से आप यहाँ आराम से कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। शहर में जाओ, हाईवे पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, यू विल एंजॉय सिटिंग ऑन द बैक सीट, जो शायद ही दूसरी कोई कॉम्पैक्ट सेडान्स एंड इवन कॉम्पैक्ट एसयूवीज दे पाए आपको। अब यहाँ पे तीन लोग बैठ के जा सकते हैं, पर अगर वो बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे हुए तब थोड़ा शोल्डर रूम टाइट हो सकता है, वरना आपके यहाँ तीन लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। नी रूम की कमी नहीं है, हेडरूम इज ऑल्सो डिसेंट इनफ, सो ओवरऑल सीट बहुत अच्छी है और आपको यहाँ आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। अब इस गाड़ी की अगर मैं बूट स्पेस की बात कर लूँ तो इसको 420 लीटर का बूट स्पेस आता है, जो डेफिनेटली वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन दिस एंटायर सेगमेंट। और अगर आप ज़्यादा सामान भर के ले जाते हैं अपनी गाड़ी में, देन अमेज बिकम्स अ ग्रेट चॉइस फॉर यू टू कंसिडर। पांचवा और आखिरी पॉइंट जो आपके लिए कवर करना चाहता हूँ इज रिलायबिलिटी। देखिए, होंडा अपनी इंजन्स के लिए तो हमेशा से जानी जाती है उनकी परफॉर्मेंस एंड माइलेज, बट होंडा एक प्रीमियम ब्रांड भी है और इंडिया में या कहीं पे भी आप चले जाओ वो अपनी रिलायबिलिटी के लिए भी जानी जाती है। तो अगर आप होंडा जैसी गाड़ी खरीदते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेज, तो यहाँ पे आपको ना केवल पीस ऑफ माइंड मिलता है विद द रिलायबिलिटी ऑफ द इंजन्स बट इवन अदर मैकेनिकल्स, और इनका जो सर्विस कॉस्ट रहता है वो काफ़ी अफोर्डेबल रहता है, एंड क्योंकि इनकी इंजन्स फ्यूल एफिशिएंट भी रहती है, सो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट बर्निंग अप योर पॉकेट एज वेल। अब मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि चाहे आप बड़े शहर में रहो या छोटे शहर में, आपके लिए ये एक अच्छी चॉइस बन जाती है होंडा अमेज बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पैक्ट डायमेंशंस एंड रियली स्पेशियस इंटीरियर। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छी चॉइस आपके लिए बन जाती है। एंड अगर आप सोच रहे कि मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी देखूं, उसके साथ साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगा डू ट्राई दिस कार ऑल्सो, ये आपके लिए बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी बन सकती है वहाँ पे। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द होंडा अमेज। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स है, आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ के बात कर सकते हैं, मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, आप हमें से किसी से भी फोन कॉल पे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, चले जाइए motorrocktrain.com/car-consultancy, वहां पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग, इट्स एज सिंपल एज दैट। और इतना वीडियो देखा है, एक लाइक तो बनता ही है डेफिनेटली, एंड ऐसे और वीडियोस हमारे आते रहेंगे। ईयर खत्म होने आया है, बहुत सारी न्यू गाड़ियां आने वाली है अगले साल, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटरॉकटेन यूट्यूब चैनल, क्योंकि आगे दिनों में आपको हमसे कंपैरिजंस भी बहुत सारी गाड़ियों के मिलने वाले हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ, मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।